हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने कल सुबह मॉर्निंग का क्लिप है, लगभग 5 बजे का। तो ये मैं मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड सुबह ही 5 बजे से किचन में लग गए थे खाना बनाने में, क्योंकि कल मेरा फास्ट था, जितिया का पारण है। तो मैं पूजा वूजा की तैयारी कर रही हूँ और ये जल्दी जल्दी थोड़ा खाना बना रहे, मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया। और मैं बीच में आई थी रोटी लेने के लिए कुत्ता के लिए, क्योंकि जब भी गेट खोलो ना, एक कालू है, कालू हम लोग उसको बोलते हैं, कुत्ता है। मैंने पहले एक बार थोड़ा सा दिखाया था उसके बारे में, तो उसके लिए मैं रोटी लेने आई। उसके बाद मैं नहा धो लिया और मैं यहाँ आ गई पूजा रूम में। तो मैं बेटे को बता रही हूँ कि कैसे इसको ना वो हटाना है कपड़े को हाथ जोड़ के, और इसने भी नहा धो लिया है, तो फिर इसने जल्दी से हटा दिया है। और फिर मैं सुबह बहुत जल्दीबाजी थी, क्योंकि बेटे का स्कूल भी था, तो उसके जाने से पहले ये सारा काम करना था, क्योंकि उसी के हाथों से ये डलिया का जो कवर है वो हटाना था। तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए कैसे पूजा होता है। ये डलिया का जो भी पूजा है, ये है प्रसाद है, वो झिंगली के पत्ते पे पूजा जाएगा। जैसे उस दिन किए थे हम लोग नहाए खाए के दिन, तो वैसे 5 पत्तों पर सारे प्रसाद को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और 2 पत्तों पर अलग से उल्टे हाथों से डालेंगे। तो आप लोग देखिए कैसे कैसे मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेरा बेटा स्कूल जा चुका है, और ये मैं किचन में आ गई हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने इतने सारे सब्जियाँ बनाई है, क्योंकि आज के दिन सब्जी का ही नियम है, बहुत तरह के सब्जी बनती है। ऐसे मैं बनाती तो मैं कढ़ी बनाती, लेकिन हस्बैंड को कढ़ी अच्छा से नहीं बनाना आता, तो वो दाल बनाए। और ये जो साफ़ सफाई देख रहे हैं ना, ये मत सोचिएगा मेरे हस्बैंड ने किया, मैंने किया है, क्योंकि वो काम खाना तो बना देते लेकिन किचन बहुत गंदा करते हैं। तो ये हम लोगों ने अपनी टेबल पे खाना भी लगा लिया और मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया, और गुस्सा करते हैं कि मेरा फोटो मत लगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैंने सुबह से कुछ सूट नहीं किया। सुबह मैंने पारन का थोड़ा बहुत सूट किया था, और उसके बाद खाना खाई। खाना खाने के बाद पता नहीं बहुत सर में दर्द होने लगा, तो मैं दवाई लेके थोड़ी देर सो गई। और फिर दोपहर में उठी 2 बजे लगभग। फिर मैंने उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कुछ सूट करो, लेकिन मैंने सुबह थोड़ा बहुत सूट किया है, तो मैं उसका वीडियो बना लूँगी कल। आज कल जाएगा वो, कल का जो उपवास का वीडियो है वो आज आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये देखिए, ये ना ये जितिया, यही होता है ये माला, ये बेटा बेटी जो भी बच्चे हैं उनके नाम से पहनते हैं। तो ये एक गांठ वाला है, ये बहुत लोग ये सोने का भी बनवाते हैं लॉकेट के जैसा, तो मैं तो नहीं बनवाई हूँ, क्योंकि मैं डेली ऐसे भी नहीं पहनती, आपको पता है बहुत लेडीज़ है कि वो लॉकेट बनवा के वो डेली में पहनती है, मैं तो गले में ऐसे ही कम पहनती हूँ। तो अभी 2 दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, तो मौसम तो ठंडा सा है, तो इसलिए मैंने ये कल जो भी पहना था वो अभी, ये तो आज मैंने पहना है सुबह पारण करने के बाद, और ये मंगलसूत्र तो मैंने कल से डाला हुआ है पतला सा। और बताइएगा फ्रेंड, आपने पारण का देखा, ये पारण का वीडियो कल जाएगा, तो उसका भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा। और हाँ गाइस, बहुत से इसमें ऐसे कमेंट हैं जो एक बार आते तो है चैनल पे, फिर वो चले जाते हैं, लेकिन जो भी मेरे चैनल पे एक बार आते हैं मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए, अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो उसको कंटिन्यू बने रहिए कंटिन्यू, क्योंकि मैं भी आपके हर वीडियोज़ को देखती हूँ जब भी समय मिलता है, और कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट बनना होगा, है ना। तो चलिए कोई नहीं, और
देखती हूँ कल मैं छोटा सा ही वीडियो डालूँगी, मगर डालूँगी ज़रूर। आज मैंने एक डाल दिया है। तो चलिए अब शाम हो गया, शाम के 5 बजने वाले हैं। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा चाय बनाऊँगी पीऊँगी। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज सुबह उठते ही बारिश बारिश ही हो रही है। देखिए मैं बारिश का नज़ारा आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए नेट लगा हुआ खिड़की में, शायद आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन अभी तो रुकी हुई है, पर मौसम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ 3 दिन से बारिश ही हो रही है और अभी मॉर्निंग के 7 बज गए हैं। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया बेटे को, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो स्कूल जाएगा अभी। ये सौरभ लीजिए, हाय कर दो सौरभ। सौरभ हाय। और रात में बारिश हुई है 2 दिन से, तो कपड़े भी मैं देखे कहाँ कहाँ फैलाए हुए, सारे चेयर पे मेरे कपड़े फैले हुए हैं। और कमरे में भी मैंने डाल रखा है, धूप ही नहीं हो रही है, क्योंकि परसों तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे और कल मैंने मशीन लगाया था शाम को, तो रात में मैंने सारे कपड़े घर में ही फैलाए हैं। तो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने आज बनाया है कद्दू की सब्जी, जिसे घिया बोलते हैं हम लोग के साइड, इसको ही कद्दू बोलते हैं। और बनाया है पपीता की सब्जी, ये देखिए। और बनाऊंगी आलू का चोखा इसके बाद, और चावल तो मैं बाद में गर्म बनाऊंगी। तो ये काम करने के बाद मैं थोड़ा साफ सफाई और करूंगी, इसके बाद जाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी, बच्चे स्कूल। और जब तक वो लोग रहते हैं तब तक साफ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उस समय पहले ही आप झाड़ू पोछा कर दोगे तो फिर से शूज पहन के इधर से उधर जाएंगे, टावल यहाँ फेंकेंगे, गीले कपड़े वहाँ फेंकेंगे। तो इसे चौंधो जाने के बाद ही मैं साफ सफाई करती हूँ। ये काम लगभग हर वाइफ करती है, हर हाउस वाइफ, क्योंकि तो चले गाइस अभी 10 बज रहे हैं लगभग। तो मैंने सब्जी सारी बना ली है, अब चावल रह गया और दाल रह गया, तो वो मैं गरम बनाऊंगी दोपहर में। अभी मैं इतना ही बनाऊंगी, तो मैं इससे ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। और आज जो ब्लॉग जाएगा उसमें कल का भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि कल का जो पारण का, द्वितीया के पारण का क्लिप था, वो मैंने उसमें उपवास वाले वीडियो में नहीं डाला था, तो आज वाले में जाएगा थोड़ा बहुत ही। तो और बस अब इसको और बड़ा नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसके बाद मैं अगला वीडियो के लिए कंटिन्यू रहूँगी, मगर इसको अब मैं यहीं एंड करती हूँ। तो ठीक है गाइस, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो ठीक है गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।